परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे हैं बेजुबान फिर से ABCD2 के ऊपर, और शाम शानदार फ्रॉम द फिल्म शानदार एंड काफ़ी सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक 12-15 लोग परफॉर्म कर रहे हैं पूरी टीम में से, और इट्स अ डैम गुड सॉन्ग, बहुत ही कमाल का सॉन्ग है, जैसे गाना बजता कुछ हो जाता है आई थिंक वो बेजुबान गाना, और एवरीथिंग आई थिंक बस कोशिश ये है कि यू नो व्हेन वी ऑन द स्टेज वी ओन द स्टेज वी नेल इट वी किल इट। या टाइम कैसे निकाल पाई हूँ ये इस वक्त, मतलब आप मुझे देख के समझ सक रहे हैं, मैं उधर से डायरेक्टली शूट से यहाँ आई हूँ, यहाँ पे कम्प्लीटली फिर से मुझे यहाँ पे जो करना है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे कम्प्लीट करना है, फिर उसके बाद फिर से मुझे शूट पे वापस जाना है। सो यस, इट्स क्वाइट हैक्टिक, बट इसके साथ साथ यू नो यू गेट दैट जोश ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉबेबली मैं जयपुर जोशीले में हूँ कि उतने सारे जोश एंड होश एंड एनर्जी सब कुछ साथ में है। सो होपफुली विल रॉक, एंड आई एम श्योर कि आप लोग हमारे साथ होंगे, आपके प्यार एंड सपोर्ट के साथ हम ये मैच जरूर जीतेंगे। प्रैक्टिस तो ये लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, रोनाल भी एक दो बार प्रैक्टिस पे आई हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने एक दो प्रैक्टिस में बॉलिंग की एंड फील्डिंग की, और काफ़ी मतलब उनको सराहना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस बॉल से ये बॉल दिख टीवी में बहुत ऐसी नॉर्मल क्रिकेट दिखेगा, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस तो हमें पता है कि हमारे प्लेयर्स की कितनी इंजरी, इनफैक्ट मेरा भी शोल्डर मसल टेयर हुआ है, एंड इससे बॉल करना लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है, सोचिए लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होगा, एंड उसके बाद भी शी केम फॉर प्रैक्टिस एंड शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, सो एवरी मेंबर इन आर टीम इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब, एंड नाउ वी आर यूनाइटेड। सो एंड आई थिंक इस बॉल के साथ मैच खेलना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज ये बॉल जो है काफ़ी बाउंस हो जाता है, अगर आप कैच भी करते तो यू नो इट बाउंसेस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और जस्ट होप कि वी आर जस्ट होपिंग दैट वी विन दिस मैच।